मान्यवर साहब कांशीराम जी का आज जन्मदिवस जो यहाँ पे चकदेसा सिंह में मनाया जा रहा है, सबसे पहले मैं तो इस टीम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आज फिर से मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इस कार्यक्रम का में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि ये हर बार इनकी ये प्रयास रहता है कि जो क्रांतिकारी जो नायक हैं उनके विचारों पे उनकी जीवनियों पे ये कार्यक्रम रखते हैं और लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। और मैं इनसे फिर से एक बार अपनी तरफ से एक आश्वासन चाहूँगा कि ये द्वारा ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे समाज में पॉजिटिव मैसेज आए, समाज को सीखने के लिए मिले और जो जिन लोगों का समाज में योगदान है, समाज में जो लोग संघर्ष पूर्ण जिनका जीवन रहा है उनसे प्रेरित होकर लोग भी इस समाज में संघर्ष करें, कैसे उनका जीवन जो संघर्षपूर्ण रहा, कैसे वो समाज में उन्होंने काम किया। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये इसी जो ऐसे आज इन्होंने टीम ने जो कार्यक्रम किया है, एक तो उनको धन्यवाद भी करूँगा और दूसरा ये है कि इनसे ये भी एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि द्वारा भी ये द्वारा ऐसे कार्यक्रम रखें जिससे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज आए। धन्यवाद भारत। आज असी बड़े ही हर्षोल्लास करने मान्यवर कांशीराम का जन्मदिन मना रहे हैं और जिन्हें भी समूह इतने कट्ठा होया वो इस दिन की बहुत ही बड़े तरीके कन्ने और बड़े ही अच्छे तरीके कन्ने इस दिन की सेलिब्रेट करा रहे हैं। और मैं मान्यवर कांशीराम के जीवन पर थोड़ी जी दसगा पी। उनका जन्म 15 मार्च 1934 रप्पड़ जिले च पंजाब च होया और उन्होंने पहले बाबा साहब उनके बारे च बिल्कुल भी नहीं पता और उनके को एक जरा पीएन हा। हालांकि कांशीराम साहब साइंस दे बहुत ही ज्ञाता है और बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। उनके को एक जरा पीएन हा, वो एक दिन 14 अप्रैल के दिन उनके को आया और उन्होंने उनके को छुट्टी मंगी। उन्होंने आख्या भाई अज मिगी छुट्टी चाहिए है, लेकिन कांशीराम साहब उन्होंने उन्होंने छुट्टी नहीं दी। और जिस वेले उन्होंने आख्या भाई छुट्टी नहीं दी उन उस वेले अपना जरा रजिस्ट्रेशन लैटर हा वो रखीता भाई मैं अज तो बाद इस नौकरी की छड़ना। लेकिन कांशीराम साहब उन्हें पूछया भाई ऐसी कि परेशानी तू आई है कि अज तू नौकरी छड़ने पर मजबूर हुई है। उन्हें आख्या भी अज उनका जन्मदिन है जिन्होंने साड़ी कौम की और हर एक दबे कुचले लोगों वास्ते कॉन्स्टिट्यूशन के बिच सारे प्रावधान लिखे है ते अज उना जन्मदिन है ते इस वास्ते मी छुट्टी चाहिए ही। उन्हें आख्या भी वो कौन? उन्हें आख्या बाबा साहब। और बाबा साहब उनके बारे में उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उन्होंने किताब दी कांशीराम साहब होने की। उन्होंने राती 4 बारी उस किताब की रिविजन किया पढ़िया और छोटे थोड़े जे पेज की किताब है 24-25 पेज की। और जल्द उन्हें पढ़ी और उन्हें राती नींदर नहीं पी जल्द उन्हें पढ़ी और अगले दिन ही उन्होंने अपना भी इस्तीफा दे दिता। उन्हें आख्या मैं भी अपना जीवन बाबा साहब की सोच पर और वो कारवा की अगे बढ़ाने वास्ते मैं भी अज तो बाद अपना इस्तीफा दे देना और उनके काम की अगे बधाने का काम करगा। और अज उसी सोच की साढ़े भाई प्रदीप जी अंबेडकर जी उन्होंने चक विच एक संस्था बनाई दी है जिहड़ी अंबेडकर सेना मूल निवासी उनकी तरफों अज अहीं ये प्रोग्राम किया। और आने वाले दिन दे विच भी जिन्हें भी साढ़े साथी इस कारवा की बाबा साहब के कारवा की अगे ले जाने वास्ते बहुत ही बड़ी चढ़ी है काम करके। जय भीम जय भारत। आज चक सरदार देसा सिंह ने हमारे अंबेडकर सेना मूल निवासी की तरफ से साहब मान्यवर कांशीराम साहब जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और मैं जहाँ की आई हुई जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी जहाँ समूह आया हुआ है, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ और बाबा साहब जी को सच सच नमन करती हूँ उनको उनके जन्मदिन पर। साहब जी जो कांशीराम जी जिनको हम मान्यवर बोलते हैं और आज उनका हम जन्मदिन जहाँ पे मना रहे हैं, पहले तो कोई उनको पहले इतना ज्ञान तो जैसे हमें नहीं था उनको भी नहीं था, लेकिन जैसे जब बाबा साहब का निधन हुआ, देश उन्होंने छोड़ा, तो उनके ही सहकर्मी
जो एक हमारे ज्ञानी परशुराम जी थे वो रो रहे थे कि आज वो जैसे वो अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बोला कि अब ज्ञानी जी आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आज हम अनाथ हो गए। तो अनाथ होने का मतलब है कि आज हमारे सिर पे जो छतर छाया थी वो चले गई, जो हमारी जो लड़ाई थी लड़ते थे हमारी आवाज़ उठाते थे वो चले गए, इसलिए मैं साहब जी मैं रो रहा हूँ। अच्छा, तो पहले जो अभी हमारी जो पार्टियां हैं हर कोई जो है उनका फोटो लगाते हैं, साहब जी का फोटो लगाते हैं, पहले कोई नहीं लगाता था कि हमारी जो उनकी विचारधारा थी वो गांव-गांव तक पहुंचाते ही नहीं थे। फिर उन्होंने वहां से उनको ठेस लगी और उन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी और फिर उन्होंने अपने दलितों और जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, जो हमारा समाज है दबा कुचला समाज है, उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया और जहां तक मुहिम चलाई और उनके उनकी ने, आपने उनको पता ही है, हाँ सबको पता है, उन्होंने कितनी 7 स्टेजों में उन्होंने एक साइकिल रैली चलाई थी। तो उन्होंने घर घर बाबा साहब की विचारधारा को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और साथ में 1984 में उन्होंने अपनी एक जो है वो पार्टी जो है उनका गठन किया और उनका नेतृत्व जो है वो हमारी बहन मायावती जी को दे दिया और खुद जो है वो उनके प्रेसिडेंट बने और उन्होंने विचारधारा जो है बाबा साहब। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।